नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। आपके साथ मैं हूँ दीपिका नयाल। बिग बॉस 12 के घर से बेघर होने के बाद सृष्टि काफी मस्ती कर रही है। सोशल मीडिया पर सृष्टि पहले से ज्यादा एक्टिव हो चुकी है। इतना ही नहीं, घर से बाहर आने के बाद भी वो अपने दोस्तों को भूली नहीं है। लिहाजा बिग बॉस के घर में करणवीर वोहरा से हुई अपनी दोस्ती को सृष्टि घर के बाहर भी निभाती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए सृष्टि करणवीर वोहरा की पत्नी टीजे सिंधु से मिली है। इस बात की जानकारी सृष्टि रोडे ने बकायदा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी दी है। सृष्टि ने टीजे के साथ दो तस्वीरों को शेयर किया है और लिखा है, करणवीर वोहरा के साथ टाइम न बिता पाने की भरपाई मैंने उनकी बेटर हाफ से मिलकर पूरी की। टीजे सिंधु, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपको बता दें कि करणवीर वोहरा और टीजे सिंधु जुड़वा लड़कियों के माता पिता हैं, जिन्हें याद कर करणवीर वोहरा बिग बॉस के घर में अक्सर भावुक हो जाते हैं। हालांकि सृष्टि रोडे के इंस्टाग्राम पर पिछले कुछ पोस्टों को देखें तो ऐसा जाहिर होता है कि सृष्टि रोडे बिग बॉस के घर को काफी मिस कर रही है। इससे पहले उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वो उसी अंदाज में डांस करते हुए सोकर उठ रही थी, जैसा कि बिग बॉस के घर में रहने वालों को उठाया जाता था। बहरहाल सृष्टि ने की है टीजे से मुलाकात। देखना दिलचस्प होगा सृष्टि और किस किस से मुलाकात करती है। वैसे आपको बता दें कि जब सृष्टि बिग बॉस के घर से बेघर हुई थी तब सृष्टि रोडे ने अपनी भड़ास निकाली थी। सृष्टि रोडे ने कहा था कि उनके बजाय जसलीन को घर से बेघर होना था। हालांकि जब सृष्टि घर से बेघर हुई तो उनके फैंस भी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि फैंस को बिल्कुल भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि सृष्टि रोडे इतनी जल्दी घर से बेघर हो जाएंगी। वैसे अगर इस हफ्ते घर से बेघर होने वाले सदस्यों की बात करें तो खबर इस बात की है कि मेघा और जसलीन घर से बेघर हो सकती है। लिहाजा देखना दिलचस्प होगा क्या सच में मेघा और जसलीन घर से बेघर हो जाएगी। खैर, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।